हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू आवर चैनल वाइटल वाइड विजुअल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर फॉलोअप क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्राइब एन एम्बिशन दैट यू हैव नॉट अचीव्ड। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉलोअप क्वेश्चंस। तो आप बने रहे हमारी आज की इस वीडियो में। गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो साइंस रिलेटेड देखने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा सकते हो जिससे कि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ सके। गाइस, ये वीडियो सारी देखने के बाद अगर आपको यूज़फुल लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। द लास्ट थिंग इज दैट गाइस, अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक का नेम सजेस्ट करना है या फिर इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक सेंड करना है हमें, तो वो चीज़ आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जान लेना चाहिए कि एम्बिशन का मतलब क्या होता है। अगर हमें इसका मतलब पता होगा सो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे हमें उसका आंसर करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग ऑफ एम्बिशन इज दैट having a strong desire to be successful, to have power, etc. मतलब कि एक अभिलाषा इसको बोलते हैं हम पंजाबी में, जो ambition इसको अभिलाषा बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जो सफल होने की तीव्र इच्छा होना किसी भी पर्सन में, अगर हमारे अंदर सफल होने की तीव्र इच्छा है, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, देन हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर ambition है कुछ बनने का। गाइज, जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि एम्बिशियस का मतलब क्या होता है। एम्बिशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया, बट एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, वो होता है अभिलाषी। मतलब किसी पर्सन को बोल सकते हैं कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस है। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होते तब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या एम्बिशन है, ये चीज़ है हमारा, हम बोलते हैं कि हमारी एम्बिशंस हैं। बट जो एम्बिशियस है उसका मतलब होता है अभिलाषी, ये किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है। सो गाइज, अभी हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। सो गाइज, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट एम्बिशंस डू चिल्ड्रन यूजली हैव। तो गाइज, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनके आमतौर पर ऐसे कौन सी इच्छाएँ होती हैं या फिर ऐसे कौन से उनके एम्बिशन होते हैं, हमें यह बताना है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर आर मैनी एम्बिशंस, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इच्छाएं बोल सकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा अभिलाषाएं बोल सकते हैं इसको, एम्बिशन को, विच जो कि वर्ड्स यूजली हैव, जो कि जो बच्चे होते हैं, वर्ड्स का मतलब होता है चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चे, जो कि बच्चे की आमतौर पर होती हैं, सच एज जैसे कि अर्निंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। जब हम बच्चे होते हैं तब हम यही चीज़ सोचते हैं, तो हमें इसका आंसर करने के लिए ये चीज़ सोचना कि जब हम बच्चे थे तो हमारे क्या एम्बिशन थे। हमारे एम्बिशन यही होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, है ना, तो ये वाली चीज़ एक बच्चे के अंदर होती है। अबाउट द प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब कोई भी प्रोफेशन उसको अगर चूज़ करना है तो उससे रिलेटेड उसके एम्बिशन होते हैं। बाइंग न्यू वीडियो गेम्स बाय करने के एम्बिशन होते हैं, है ना गाइस, ईटिंग समथिंग न्यू एंड सो ऑन। सो ये सारे एम्बिशन हम बोल सकते हैं कि आमतौर पर जो बच्चे होते हैं उनमें होते हैं। सो गाइस, नीचे आप इसके एक बार ट्रांसलेशन देख सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज वाई आर सम पीपल वेरी एम्बिशियस इन द वर्क। तो गाइस, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ लोग, सम पीपल मतलब कुछ लोग, बहुत ही ज़्यादा उत्साही होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अभिलाषी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं इन द वर्क, काम में। तो हमें ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई कंसिडर, मुझे लगता है द मेन रीज़न, जो मुख्य वजह है, मुख्य कारण है, दैट वाई सम मल्टीट्यूड्स, की क्यों कुछ लोग वेरी एम्बिशियस, बहुत ही ज़्यादा अभिलाषी होते हैं इन देयर वर्क, इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में, इज दैट वो ये हैं दैट कि दे वॉन्ट टू ग्रो, क्योंकि वो ग्रो मतलब कि आगे बढ़ना चाहते हैं, अचीव देयर गोल्स, और जो उनके गोल्स हैं, जो भी उन्होंने अपने टारगेट सेट किए उनको अचीव करना चाहते हैं, मतलब कि प्राप्त करना चाहते हैं। गाइज, यहाँ पे आई थिंक वर्क आना था, इन देयर लाइफ नहीं, इन देयर वर्क।
दे फोकस टू फाइंड सक्सेस इन देयर लाइफ, वो अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जो सक्सेस होते हैं, सफलता होती है उसको ढूंढने के लिए, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, इन देयर वर्क जो उनका काम होता है उन उसमें, एंड और आई फील और मुझे लगता है देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस, कि इस चीज़ में कोई गलत चीज़ भी नहीं है, मुझे ये लगता है। सो गाइज नीचे आप इसके एक बार ट्रांसलेशन देख सकते हो। आई नो ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, बट गाइज ये क्वेश्चन है ट्रिकी, बट हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझ के इनके आंसर देने होंगे, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर। सो द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज वाई डू नॉट सम पीपल हैव ड्रीम्स। तो गाइज इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कुछ लोगों के पास सपने क्यों नहीं होते, या फिर कुछ लोगों के सपने क्यों नहीं होते। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रीम्स ये वो वाले नहीं है जो रात को आते हैं, ड्रीम्स वो वाले सपने की बात नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं कि ड्रीम्स मतलब कि हमें होता है कि हमें ये बनना है बड़े होके, है ना, जब हम मतलब कि जब छोटे बच्चे होते तब हम ये सोचते हैं कि हमें बड़े होके ये बनना है। तो वो क्या चीज़ होती है, हमारा ड्रीम होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये बनना है, टीचर वगैरह, है ना। या फिर इसके अलावा जब हम बड़े होते हैं तब भी हमारा कोई ड्रीम होता है, जैसे कि मुझे इस कंट्री विजिट करना है, तो ये क्या है, हमारा ड्रीम हो गया। तो ये वाले ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, ना कि जो रात को सोते टाइम आते हैं ना सपने में, वो वाले नहीं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई थिंक, मुझे लगता है एवरीवन हैज सर्टेन ड्रीम्स, कि हर एक के पास सपने होते हैं। इट इज जस्ट दैट, यह है सिर्फ ये बात है कि सम पीपल, कुछ लोग आर टू लेजी, कि बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, आलसी होते हैं। लेजी का मतलब होता है आलसी होना, टी डबल ओ टू लगाया है तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा। टू वर्क फॉर द ड्रीम्स, कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लेजी होते हैं, मतलब आलसी होते हैं, कि अपने जो सपने हैं उनके लिए काम करने में भी वो क्या करते हैं, आलसीपन दिखाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर There are others, कि यहाँ पे कुछ और भी हैं who can do anything for their dreams, कि यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं जो कि अपने सपनों को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। and it shows, और ये चीज़ दिखाता है, मतलब ये चीज़ जो दर्शाता है, shows मतलब दिखाता है, ये चीज़ उनमें दिखती है। गाइज अभी आप नीचे इसके एक बार ट्रांसलेशन है, वो अगर आपको रीड करना है तो रीड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। The last question of this video is how do people balance work and life? तो इस question में guys आपसे पूछा जा रहा है कि लोग अपना जो काम होता है उसमें और जो उनका जीवन होता है, work मतलब काम, life मतलब जीवन, कि लोग काम और जीवन में कैसे संतुलन कायम रखते हैं, कैसे संतुलन बनाते हैं। So हमें यह बताना है। So the answer of this question is आई थिंक, मुझे लगता है एवरीवन डज इट इन देयर ओन वे, कि हर एक पर्सन ये चीज़ करता है, मतलब लाइफ में और काम में बैलेंस बिठाता है अपने तरीके से। सम डैनिजन, कुछ पीपल, मतलब कि डैनिजन का मतलब होता है पीपल, कुछ लोग डू इट करते हैं इसे बाय टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स, वो रेगुलर मतलब हर रोज़ क्या करते हैं, ब्रेक्स लेते हैं थोड़े थोड़े, जैसे कि एक घंटे का, दो घंटे का। व्हेन दे ओनली फोकस ऑन देयर फैमिली, जब वो अपनी फैमिली पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं या फिर अपनी फैमिली के पास होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, तो उसमें वो क्या करते हैं, इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सम मल्टीट्यूड्स, कुछ लोग डू दिस करते हैं इसे विद द हेल्प ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं उनकी सहायता से क्या करते हैं लोग, वर्क एंड लाइफ में अपना बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है इट इज़ समथिंग, कि ये एक ऐसी चीज़ है ऑलमोस्ट एवरी पर्सन ट्राइज, ऑलमोस्ट मतलब लगभग हर एक पर्सन ट्राई करता है, एवरी मतलब हर एक पर्सन ट्राइज टू डू, हर एक पर्सन ये चीज़ करने की कोशिश करता है एंड फेल्स, और इस चीज़ में असफल होता है। इन रिसेंट ईयर, अभी के कुछ सालों में, इवन गवर्नमेंट्स, जो गवर्नमेंट्स हैं, सरकारें जो होती हैं, वो आर टेकिंग स्टेप्स, वो स्टेप्स ले रही हैं, लाइक जैसे कि लिमिटिंग वर्क आवर्स, जो वर्क आवर्स होते हैं, काम करने के जो आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं, उसको लिमिट करके, मतलब कम करके उसको वो कोशिश कर रहे हैं।
सो पीपल आर एबल टू डू सो, सो जिससे कि लोग अपने काम और अपनी लाइफ दोनों चीज़ों में बैलेंस बिठा सके। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, अपना एफर्ट्स लगा रही है, हम इस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। सो गाइस नीचे आप इसके जो आंसर है उसके एक बार ट्रांसलेशन है रीड भी कर सकते हो, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझने में और भी ज़्यादा आसानी फील होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप गाइज आज की ये सारी वीडियो आप सबके लिए यूजफुल प्लस हेल्पफुल साबित होगी। सो गाइज आपको हमारी आज की ये वाली वीडियो कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।